12 करोड़ तक के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं that we are in need of for successful manifestation of our thoughts, whatever we are thinking about. I request some participant, Mr. Sohail. इनको चाहता करता हूँ कि वो यहाँ आए हमें स्पॉन्सर की फंडिंग की इस प्रोग्राम के लिए एंटीमोलॉजी और their support, especially the scientists who are throughout the year. Animals on this planet have just 4 years lived. After 4 years, there will be no life on the globe. You will practice it. You will become a good patient, and I hope that in coming time we can say good, intelligent, and you know how to hold your nerves. Once you hold your nerves down, so in order to achieve your goal, in order to excel in life. जब से इसमें बहुत तरक्की हुई है, ज़्यादा I am highly thankful to Honorable Prime Minister of India. जब से these are 5 to 6 beekeeping clusters. And I congratulate my लोग सीख रहे हैं बाकी जो आएंगे नए नए बच्चे ये भी बीकीपिंग के मुताबिक और मैं खासकर डाबर का आज दिस सीनियर कम्युनिकेटिंग ऑफिसर फ्रॉम डाबर डॉक्टर व्यास आनंद सर डॉक्टर मिस्टर विक्रम The main think tank behind new education policy. Our university being the first university which has implemented head division of entomology for his management and program जो है ये पहला कदम है जैसे सर ने बताया कि senior colleagues our professor Khan साहब professor Zakir साहब professor A Khan साहब and other respected faculty of division of entomology. Because our indigenous bees here Apple मैं डॉक्टर परीना बानो मैं एसोसिएट प्रोफेसर एज काम करती हूँ स्कास्ट के में। इस वक्त मैं मुंसलिक हूँ पॉलिनेशन सेंटर से जो रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर पॉलिनेटर्स पॉलिनेजर्स एंड पॉलिनेशन मैनेजमेंट है। आज हमारा जो वैलिडिक्टरी फंक्शन है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा 7 डेज़ का सस्टेनेबल बी कीपिंग जो स्पॉन्सर कर रहे हैं डाबर इंडिया लिमिटेड और हम हमारे उनके इश्तराक से हम ये कर रहे हैं। इसमें हमारे कुछ बीकीपर्स भी हैं और कुछ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ भी है। इनमें हम इनको ये जानकारी दे रहे हैं कि बीकीपिंग क्या है, उसके कैसे इसका मकसद क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और हम उसको कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे, यानी कि जो बीकीपिंग इसका हम मैनेज कैसे करेंगे हनी बीज़ को, या ड्यूरिंग माइग्रेशन हम इसको कहाँ पे ले जा सकते हैं, वहाँ पे कोई किस किस्म का फ्लोरा होना चाहिए, या अगर यहाँ पे हमारा डर्थ पीरियड है तो उस टाइम हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, या अगर डिजीज़ या पेस्ट्स उसमें लगते हैं तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, या कभी पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होते हैं तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसी के सिलसिले में आज हो रहा है ताकि जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक मौका मिल जाएगा अपना रोज़गार कमाने का, एक वसीला उनके पास रोज़गार का फराहम हो जाएगा, क्योंकि आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बेरोज़गारी अरूज पर है और ऐसा कोई सेक्टर हमारे पास है भी नहीं जिसमें हमारे बच्चे एक्सेल कर जाएंगे। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल बी कीपिंग है या बाकी कुछ मशरूम वगैरह है तो उसमें हमारे जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बी कीपर्स है तो वो ऐसे जो बी कीपिंग का सेक्टर है, जो बी कीपिंग यूनिट है, जो इनका एंटरप्राइज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं ये कैसे उसमें एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, ये कैसे उसमें एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उस बिज़नेस के ज़रिए उस एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए ये बाकी बेरोज़गार नौजवानों को भी एक राह दिखा सकते हैं, उनके लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं अपने लिए और बहुत सारे बेरोज़गार नौजवानों को एंगेज कर सकते हैं ताकि ये जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो रियासत है ये तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगी। आप एंटीमोलॉजी फैकल्टी ऑफ हार्टिकल्चर श्री कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ये जो प्रोग्राम चल रहा था सस्टेनेबल बी कीपिंग के लिए, बी कीपिंग को हम कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे डाबर इंडिया लिमिटेड ने उसको स्पॉन्सर किया है। इसका मुद्दा तो मकसद एक ही है कि कैसे हम अपने नौजवानों को जो बेरोज़गार नौजवान हैं, हमने पढ़े लिखे नौजवान हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से हमारे, उनको रोज़गार फराहम करें थ्रू एस्टेब्लिशिंग देयर बी कीपिंग यूनिट्स। शुक्र अल्लाह का आज डाबर वालों ने वैलिडेटरी फंक्शंस पर जो उनके सीनियर ये कम्युनिकेटिंग मैनेजर यहाँ आए थे व्यास आनंद जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हर एक पार्टिसिपेंट को हम 10-10 कॉलोनीज़ देंगे जो कि अपना ये यूनिट खड़ा करें, उनके लिए उन्होंने एक्सपोजर विजिट का भी अनाउंसमेंट किया है। तो हम चाहते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर की, जब ये नौजवान हमारे खुशहाल होंगे तो हमारी ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनिटी यूनियन टेरिटरी की इक्तिसादी, समाजी और माशी हालत भी सुधर जाएगी जब हम हमारे नौजवान अपना रोज़गार खुद कमा सके। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम व्यास आनंद है, मैं CSR हेड हूँ डाबर इंडिया लिमिटेड में। डाबर जैसे आप सब लोग जानते हैं 140 साल पुरानी कंपनी है और देश की ही नहीं विश्व भर की सबसे बड़ी हनी प्रोड्यूसर है। तो हमारा एक ये मुहिम है कि हम कश्मीर में कश्मीर हनी को और प्रमोट करें और कश्मीर में लोकल यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दें कि उनकी लाइवलीहुड बढ़े। तो इसके लिए हमने स्कास्ट कश्मीर के साथ मिलके एक 7-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है जिसमें इनके रिसोर्स पर्सनस, यूनिवर्सिटी के रिसोर्स पर्सन, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने बड़ा हमारा हेल्प किया है और उनके साथ मिलके हमने 7 दिन लोकल यूथ को ट्रेन किया है सस्टेनेबल बी कीपिंग में, ताकि वो आगे चल के इसको अपना व्यवसाय बना सकें, इससे कमाई कर सकें। और डाबर भी इसमें डाबर ने ये पूरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया है और इसके अलावा हम इन स्टूडेंट्स को, इन यूथ को हम बी बॉक्सेस और बी कॉलोनीज भी दे रहे हैं ताकि ये इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इसको आगे ले सकें।